नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमें मसल हमारे शरीर में बढ़ जाए ऐसा कैसे हो जाएगा। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल लॉस नहीं होता, मसल गेन होता है। मतलब मसल कम नहीं होएगी, तुम भूखे रहोगे तो मसल कम नहीं होएगी, मसल बढ़ेगी कैसे। देखो, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन नाम का, विज्ञान ने पाया है कि ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन होता है। और ये हार्मोन क्या है कि बहुत ही अच्छा हार्मोन है हमारे शरीर के लिए। ये क्या करता है, हमारे शरीर में फैट कम करने में और साथ ही साथ मसल बढ़ाने में मदद करता है। मतलब तुम्हारे शरीर की चर्बी भी कम होगी और साथ ही साथ मसल भी बढ़ेगी। मतलब जैकपॉट, ताबड़तोड़ नाच लूं। तो तुम्हारे शरीर में चर्बी कम, मसल बढ़ेगी। तो तुम सोचो कि तुम एक बहुत मोटे आदमी हो, धीरे 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 तुम्हारी चर्बी कम होती जा रही है और तुम्हारा शरीर मतलब चर्बी कम होती जा रही है और तुम्हारे शरीर में मांसपेशियां बढ़ रही है, तुम्हारा शरीर ठोस होता जा रहा है दिखने में और दिखने में भी अच्छा लगता जा रहा है। और ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे एजिंग को देर से लाता है, एजिंग को डिले करता है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि कई बार लोग 70 के होते हैं तब जैसे दिखते हैं, वैसे ही वो लोग 70 के हुए बिना 50-55 या 60 में दिखने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको जो बुढ़ापा 70 पे आना चाहिए था वो आपको पहले ही आपके शरीर में दिखने लग गया। ये होता है वातावरण के कारण, खान पान के कारण और भी कई कारणों से। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है कि आपकी बुढ़ापे को देर चलाएगा। मतलब आप 70 में जैसे दिखने चाहिए थे वैसे 60 में नहीं दिखोगे, वैसे 70 में दिखोगे। और हो सकता है कि 70 में और जवान दिखो। मतलब लोग कहेंगे यार आप तो 55 के लग रहे हो, आप तो 60 के लग रहे हो। तो इसे कहते हैं एजिंग को डिले करता है, मतलब आपके बुढ़ापे को देर से लाना, ये ग्रोथ हार्मोन करता है, ठीक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देती है। तो ऐसा पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन 20 गुना तक हो गया शरीर में, 20 गुना तक हो गया। मतलब आपके मसल गेन में काफ़ी मदद होगी और आपका फैट कम होने में भी काफ़ी मदद होगी। तो इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी चर्बी कम करने में और मांसपेशियां बढ़ाने में मदद करता है। इससे हमें क्या समझ आया कि तपस्या करनी चाहिए, उपवास करते हैं पूरे दिन कुछ नहीं खाते, एकाशना करते हैं, एकाशन करते हैं दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं, या कई लोग हफ्ते में दो दिन तक उपवास करते हैं, ऐसी तपस्याएं करनी चाहिए। इससे सिर्फ धर्म नहीं बढ़ता, सिर्फ आत्मा को उतार नहीं होता, शरीर के लिए भी एक कल्याणकारी है। बहुत बीमारियां दूर होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। इससे हमने क्या सीखा कि जो हमारे पूर्वज कह गए हैं कि धर्म करो, उसमें सिर्फ आत्मा का उतार नहीं है, शरीर का भी उतार है। आज हमें समझ आ गया। चलो अब अगले वीडियो में मिलूंगा, नमस्कार। चलो अब तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। अगले वीडियो में मिलूंगा, नमस्कार।